फाइनली गाइस सैमसंग की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है सैमसंग F13 एंड जिसका जो मैं कंपेयर करने आ रहा हूँ उसी प्राइस सेगमेंट के साथ जिसका नाम है रियलमी C35, क्योंकि इन दोनों के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस बहुत ही सेम है, जिससे कि आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इन दो फोन्स में से आपको कौन सा एक फ़ोन परचेस करना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सैमसंग F13 के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, तो इसमें आपको एंड्रॉयड V12 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए वेट के बारे में, तो इसमें आपको 207 ग्राम का भी वजन देखने को मिल रहा है। थिकनेस की बात की जाए तो इसमें आपको 9.3 mm की थिकनेस देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर ओवरऑल थिकनेस एंड्रॉयड V12 एंड वेट ओवरऑल अच्छा है। एंड रियलमी C35 की बात की जाए तो इसमें आपको रियलमी एंड्रॉयड V11 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वेट 187 ग्राम का, 8.1 mm की इसमें आपको थिकनेस देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर ओवरऑल सैमसंग F13 विनर निकलता है एंड्रॉयड V12 के कारण। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के यहाँ पर डिस्प्ले सेगमेंट के बारे में, तो सैमसंग F13 में आपको 6.6 inches की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्राइस रेट पर बहुत ही अच्छी डिस्प्ले आप कह सकते हैं, क्योंकि IPS LCD डिस्प्ले इस प्राइस रेट पे अच्छी है। एंड इसमें आपको 400 nits की पीक ब्राइटनेस एंड इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। इस प्राइस रेट पे इसमें आप नॉर्मल गेमिंग करेंगे, इसलिए आपको सिर्फ इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है एंड इसमें आपको कोई HDR10+ का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात की जाए रियलमी C35 के बारे में, तो इसमें आपको 6.6 inches की इसमें भी आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है एंड इसमें आपको 600 nits की ब्राइटनेस के साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है एंड इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, बट नेट्स के कारण रियलमी C35 विनर निकलता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो सैमसंग F13 का जो परफॉर्मेंस है वो है Exynos 8 Octa, जो कि सैमसंग का ही प्रोसेसर है, जो कि इस फ़ोन में आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए ग्राफिक्स के बारे में, तो इसमें आपको Mali G52 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बात की जाए इसके रैम टाइप के बारे में, तो इसमें आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल रहा है। एंड बात की जाए रियलमी C35 के बारे में, तो इसमें आपको Unisoc T616 का ग्राफ एंड Mali G57 MP1 ग्राफिक्स कार्ड LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बात किया परफॉर्मेंस के बारे में, तो सैमसंग F13 यहाँ पर Exynos 8 Octa के कारण परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर विनर निकलता है। एंड इसके बाद बात किया परफॉर्मेंस के बाद दोनों के कैमरा सेगमेंट के बारे में, तो सैमसंग में आपको 50 MP का एक प्राइमरी कैमरा एंड 5 MP का वाइड एंगल एंड सिर्फ 2 MP का इसमें आपको एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्राइस रेंज पे अच्छी बात है। एंड 8 MP का सिर्फ सेल्फी कैमरा इस फोन में आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है। एंड बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वो हो रही है 30 FPS तक एंड फ्रंट कैमरा से भी हो रही है 30 FPS तक। एंड रियलमी C35 के कैमरा के बात की बात की जाए तो इसमें आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 5 MP का वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड सिर्फ 0.3 MP का इसमें आपको एक छोटा सा मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको फ्रंट कैमरा 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जहाँ बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 30 FPS तक, वहीं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें भी 30 FPS तक। एंड यहाँ पर ओवरऑल समझ चुके होंगे कि कैमरा के मामले में यहाँ पर दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, बट यहाँ पर मैक्रो कैमरा के कारण यहाँ पर सैमसंग F13 में 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया जा रहा है, वहीं रियलमी C35 में सिर्फ 0.3 MP का मैक्रो कैमरा दिया जा रहा है। इसलिए सैमसंग F13 यहाँ पर मैक्रो कैमरा के कारण यहाँ पर थोड़ा सा विनर निकलता है। एंड इसके बाद बात की जाए यहाँ पर दोनों के बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी की बात की जाए तो सैमसंग F13 में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको 15 W का चार्जर देखने को मिल रहा है। बट ब्रांड वालों ने अभी ये नहीं बताया है कि इसकी 0 से 100% बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि इसकी 0 से 100% बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी। एंड रियलमी C35 की बात की जाए तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको 18 W का एक चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि 18 W का चार्जर इस प्राइस रेट पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। एंड इसके बाद बात की जाए दोनों के साइड स्पेक्स के बारे में, जैसे कि सैमसंग F13 में आपको नेट कनेक्टिविटी 4G देखने को मिल रही है एंड इसी के साथ साथ इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है,
बट इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, यस इस प्राइस पॉइंट पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तो दोनों फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छा लगा। रियलमी C35 में भी आपको नेट कनेक्टिव 4G 3.5 का जैक एंड इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि 11,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। एंड इसके बाद बात किया दोनों के प्राइस एंड मेरा ओपिनियन के बारे में, तो 400 के ऊपर सैमसंग F13 का जो 400 वाला वेरियंट है उसके प्राइस हैं 11,999। वहीं रियलमी C35 की बात की जाए तो इसमें आपको जो 400 वाला वेरियंट है उसके भी प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ 11,999। हाँ, यहाँ पर दोनों के प्राइस दोनों स्पेसिफिकेशन के अलावा प्राइस दोनों के सेम है, बट यहाँ पर ओवरऑल विनर की बात की जाए तो यहाँ पर सैमसंग F13 यहाँ पर विनर निकलता है, क्योंकि इसमें आपको एक परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। वैसे कैमरा भी अच्छा देखने को मिल रहा है, लुक्स तो दोनों को अच्छे ही है, बट सैमसंग F13 को परचेज करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।